अंदर चली जाएगी, हम यही खड़े हैं। भाई मेरी मम्मी लेजिट चेक करने आती कि मैं बंक तो नहीं मारूंगी। हाय वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज फलक। इफ यू आर न्यू, दिस इज फॉर यू। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव मेड अ फुल लेंथ व्लॉग, फुल व्लॉग। एंड आज मैं जा रही हूँ कॉलेज, काफ़ी टाइम के बाद ऐसे ये वाले कपड़ों में देख रहे हो आप मुझे, वरना यूजुअली आप मेरे शॉर्ट्स में, आप मुझे साड़ी में देखते हैं, क्योंकि दैट्स व्हाट वी आर वेयरिंग इन आर इंटर्नशिप। हमारी इंटर्नशिप चल रही है टीचिंग, एंड गेस हू इज हियर, मम्मी इज हियर। भाई हद हो गई, हेलो तो बोलो। हेलो, अभी हम लोग जा रहे हैं कॉलेज। आज हमारे कॉलेज में फंक्शन है, सॉर्ट ऑफ संगठन वाला। सो इट्स बिन वन ईयर ऑफ दैट, मतलब लास्ट ईयर हम लोगों ने भी पार्टिसिपेट करा था, एंड एक साल ऑलरेडी निकल चुका है, एंड जल्दी से ये वाला साल भी निकले और फिर मैं अपने घर भागूँ। बट नाउ आई हैव गेन्ड एक्सेप्टेंस दैट जो होता है आपके अच्छे के लिए होता है। नो मोर क्रिबिंग अबाउट लखनऊ एनी मोर, आई डोंट डू दैट नाउ। आई हैव gained acceptance with the help of my therapist, because that was very necessary. That was one trigger I had of my anxiety. पूरे ऐसे अच्छे से तैयार होकर जा रही हूँ मैं with a full face of makeup. Let me know in the comments how do I look. And इसका शॉर्ट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। चलो चलते, लेट हो गए हैं एज यूजल। मम्मी जा रही हैं मुझे कॉलेज छोड़ने, वापस ना जाए जिससे मैं वापस ना जाऊं या फिर मैं बंक करके कहीं और ना चली जाऊं। तो आपको हो गए हैं 4 दिन लखनऊ में, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, लेकिन अपना रूटीन जो है सारा गड़बड़ा जाता है कहीं जाने से। हाँ ये तो है, अपनी एक्सरसाइज अपना जो भी है, लेकिन चेंज है, चलो अच्छा। तुम उस दिन वहाँ गई थी घूमने, कहाँ गई थी? चौक। वहाँ से तुमने दुनिया भर की एक ही दुकान से मम्मी 4 ठो कुर्ता उठा ली, और वो उठा ली इसलिए कि इसी ने जबरदस्ती किया है। हम तो बिल्कुल लखनवी कपड़ा को कितनी बदतमीज हो यार, एकदम हम नहीं पसंद कर। एक तो तुमने शॉपिंग करी और ब्लेम मेरे को कर रही हो। हम एकदम नहीं पसंद करते लखनवी ये चिकन के कपड़े पहनना, इतना अजीबो गरीब होते हैं। इतने अच्छे कुर्ते हैं वो, मैंने बोला था ले लो तो कह रही है मैंने दिलवा दिया, और जब पहन के फोटो डालेंगी फेसबुक पे तो तब सारे लोग इनको कॉम्प्लीमेंट करेंगे। हाँ क्या कर रही हूँ, क्यूतू पूतू इधर आओ, क्या कर रही हूँ कूतू, हाँ क्या कर रही हूँ, हाँ क्यूतू बाय। और अंदर चली जाएगी, हम यही खड़े हैं। भाई मेरी मम्मी लेजिट चेक करने आती कि मैं बंक तो नहीं मारूंगी। गेट में जाओ अंदर, बाय बाय। सफेदू भाग रही है, सफेदू वहां पे गई। यस आई एम सो हैप्पी। यस नहीं नहीं खत्म करके जैसे ही। हाँ नेक्स्ट ईयर। मैं सुबह से क्लास में आई हूँ, मैं सुबह से चिल्ला रही हूँ कि ऑडी में चलो संगठन में चलो, बट भाई कोई जा ही नहीं रहा है। तो आई फाइनली गॉट इर्तिका विद मी एंड सफेदू, दिस इज इर्तिका विद द फ्लावर। और अब अभी हम लोग ऑडी में जा रहे हैं क्योंकि वो संगठन वाला प्रोग्राम हो रहा है जो डांस का था लास्ट ईयर, हम लोग ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था। इट्स अ वन होल ईयर ऑफ दैट। सो और बाकी के लोग लेसन प्लान बना रहे हैं बिकॉज दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, बट हमारा गेट थोड़ा हैपनिंग होगा इस बार। यस वी डोंट वॉन्ट इट बोरिंग। यस एंड वी आर टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम द लेसन प्लान, सो वी आर गोइंग टू द ऑडी। Something's on your head. Something's on your head.
gopis love for Krishna. I want team 2 shift tandem to assemble at the back side of the auditorium. जिसकी दीवानी प्रीति हर वाला वो किसका है last year. This is the central canteen. बहुत टाइम के बाद मैं यहाँ पे आई हूँ. रमजान के टाइम जाना है जो सुबह आती होती है. मैं गई हूँ मस्जिद. हमने लिटरली पता है हमने रोजा खोला था वहाँ पे इफ्तार पूरा लगा हुआ था. लिटरली शॉप्स हैव हैड इफ्तार एंड वेयर इन यू कैन कम एंड ईट लाइक दे विल नॉट नो यू हु आर यू लाइक यू
कम एयर एंड यू कैन ईट, ऐसा होता है. डोंट हैव टू पे? नो, डोंट हैव टू पे. यू कैन रैंडमली कम एयर एंड यू कैन जस्ट ईट. Is also having lassi and अब हम लोग क्लास में जा रहे हैं. सारा फैशन हो चुका है ख़त्म, तो बाल मेरे बंद गए हैं. आज हमारा वो इवेंट था, ये बात मैं 36 बार बता चुकी हूँ. एंड आई थिंक अभी लंच के बाद एक और प्ले है, वी विल सी दैट वंस वी रीच. मतलब अभी हम क्लास में जा रहे हैं, आफ्टर दैट वी विल सी अगर हम लोग प्ले में जाएंगे या नहीं जाएंगे. क्लास का माहौल एकदम अलग है. एक ये है, कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ लोग लस्सी पी रहे हैं, कुछ लोग अब प्रतिभा वहाँ पे सेल बताए. कुछ लोग लेसन प्लान बना रहे हैं. रख दो उधर ही. कल हमारा पेपर और हमें उसका सब्जेक्ट का नाम क्या आएगा उसमें हमें वी हैव नो आइडिया. कल हमारा एग्जाम है एंड उसका किसी ने कुछ नहीं पढ़ा है. सो इट्स एन ऑनलाइन एग्जाम एमसीक्यू वाला, और मम्मी को हंसी आ रही है ये सुन के. शी जस्ट लव्ड. हाँ कंप्यूटर देंगे मम्मी वहाँ पे कंप्यूटर सेंटर में एग्जाम. हाँ क्या सुबह से बात हो रही है? अभी ये पूछ रहे हैं क्या क्या कह रहे हो हैं? हमें खुद नहीं पता सब्जेक्ट का नाम. कोई कम ऐसे ही होना चाहिए जहाँ कुछ पता ही ना हो, अभी सही टैलेंट का पता चलता है. एकदम स्पॉन्टेनियस. और पता है मेरे घर से वो जगह 30 किलोमीटर है लिटरली, तो वहाँ तक जाने में कैब में मुझे लगता है घर बिक जाएगा मेरा. एंड दैट वाज इट अबाउट टुडे. जो लोग बोलते रहते हैं आप एमिटी का व्लॉग नहीं डालती, प्लीज़ कमेंट करके बताना मेरे को कैसा लगा. और आजकल पता है मेरे को कॉलेज में इतने नए बच्चे मिल रहे हैं, आप फलकना हो ना एंड देन दे जस्ट क्लिक पिक्चर्स विद मी. हम आपके साथ फोटो ले लें, हम आपके वीडियोज़ देखते हैं, दैट जस्ट मेक्स माई डे. मैं अगर कोई ऐसे एक दिन को अगर कोई एक चीज़ होती है ना, एक बात होती है ना अगर ऐसे एक दिन में, तो मैं पूरा हफ्ता सोचती हूँ उसको लिटरली. एंड कल मुझे ऐसे 4 लोग मिले थे, सो इट रियली फील्स गुड. एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड मीटिंग मी. सो दैट इज़ इट. एंड मैं और भी लोगों को देखती हूँ कॉलेज में जो अभी मतलब नए बच्चे आए, वो ऐसे देखते रहते पता नहीं मतलब या तो वो रिकग्नाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, आई डोंट नो. बट इफ़ यू सी मी आई वुड लव फॉर यू टू कम एंड से हाई टू मी. आई वॉन्ट बाइट, डोंट वरी. एंड उस दिन तो एक लड़की बोल रही थी हमने आपके ब्लॉग्स देख के ही एमिटी में एडमिशन लिया है. मैंने कहा वाह, मैं तो मतलब मुझे तो पैसा देना चाहिए मेरे कॉलेज को, मैं तो उनका नाम आगे प्रमोट कर रही हूँ. दैट वॉज इट अबाउट द डे. इट वॉज फाइन. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आजकल. हम कुछ दिनों से क्योंकि साड़ी नहीं पहन रहे हैं, तो सारा मेरा साड़ी का शौक उतर गया भाई गॉड इंटर्नशिप में. भाई जितना साड़ी का शौक था वो सब उतर चुका है. हाँ सो लेट्स एंड दिस ईयर. अगर आप अभी यहाँ तक हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. आप लोग देख लेते
यस, मेरे घर में सब छट छट के आए हैं गाइस। सो आप लोग देख लेते हो बट आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू अभी तक बने रहने के लिए। डोंट फॉरगेट टू बी काइंड टू एवरीथिंग दैट लिव्स। बाय।